Today we will discuss the test of chapter 5 quadratic equation. First sum. Kya diahami. X is equal to 2 by 3 and x is equal to minus 3. Are the roots of the equation this? Find the value of a. जो हमें इक्वेशन दी है बेटा वो लिख दो लिख दिया अब दो रूट्स गिवन है एक एक्स की वैल्यू टू बाय थ्री गिवन है एक एक्स की वैल्यू माइनस प्लस वन में जाके ये बहुत इजी हो जाएगा गुड इवनिंग जी सर मैं ट्राई कर नहीं ट्राई नहीं मैं मैं ही सॉल्व करवा रहा हूं जहां एक्स है वहां टू ए टू जीरो टू का स्क्वायर फोर फोर ए अपॉन नाइन फोर्टीन अपॉन थ्री प्लस बी अपॉन वन इक्वल टू जीरो यहां से नाइन हमारा एलसीएम आ गया फोर ए प्लस फोर्टीन प्लस सॉरी ये नाइन है ना फोर्टी थ्री फोर्टी टू नाइन बी इज इक्ल टू जीरो फोर ए प्लस नाइन बी प्लस फोर्टी टू जीरो इन नाइन जीरो फोर ए प्लस नाइन बी बिकम माइनस फोर्टी टू ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब माइनस थ्री यहां फिल करो यहां पे माइनस थ्री फिल करो ए एंटू माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सेवन माइनस थ्री प्लस बी इज इक्वल टू जीरो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन ए सेवन इंटू माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी वन प्लस बी इक्वल टू जीरो नाइन ए प्लस बी माइनस ट्वेंटी वन बिकम प्लस ट्वेंटी वन ऑन दट साइड इसके नीचे लिख दो बेटा सेकेंड इक्वेशन अब चाहे ए के कॉविशन इक्वल कर लो चाहे बी के किसके करें हम बी के कर लेते हैं फोर ए प्लस नाइन बीज इक्वल टू माइनस फोर्टी टू रहेगा 9 से करेंगे एटी वन ए प्लस नाइन बी नाइन नाइन एटीन सब्ट्रैक्ट यहां पे ये कट हो गया फोर माइनस एटी वन माइनस सेवनटी सेवन ए दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे माइनस से माइनस कट एक कितना आ गया टू थर्टी वन अपॉन सेवन और ये पूरा पूरा कट हो रहा है थ्री पे

अब किस किस का गलत है ये सर मेरे स्कूल में सर ने एक करवाया था मैंने क्या मैं, तो दे मैं बता देता हूँ yes, प्लस वन में आएगा आपको ठीक है yes, दूसरा मेथड वो प्लस वन में होगा वो मैं आपको बताता हूँ वैसे उस मेथड से आपने करना नहीं है आप इसी मेथड से करोगे क्योंकि आपके सिलेबस में वो मेथड नहीं है ओके ओके okay, सीख लो सीखने में कुछ नहीं जाता एक फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ रूट्स का माइनस बी अपॉन ए रूट्स आर गिवन टू बाय थ्री एंड माइनस थ्री इन दोनों का सम कर दिया यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू सेवन है ए की वैल्यू ए है यहाँ थ्री एल्सिम लिया टू माइनस नाइन को ऊपर क्रॉस कर दो a, minus seven. Minus e minus काटी दो से नीचे चला जाएगा थ्री ऊपर आ जाएगा इस वे से a की वैल्यू थ्री आ गई नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दूसरा फॉर्मूला ये रूट्स का फॉर्मूला याद रखना है मतलब अभी याद रखना है रख लो वैसे आपको जरूरत भी नहीं है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका फॉर्मूला होता है बेटा हमें टू बाई थ्री एंड माइनस थ्री टू बाय थ्री एंड माइनस थ्री सी की वैल्यू बी है बेटा सी के प्लेस पे ए है और ए के प्लेस पे ए ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं दैट इज थ्री कट गया सिक्स

ओके okay, वो भी बता देता हूँ मैं यस yes, उन्होंने क्या किया ये क्रॉस कर दिया और लास्ट से कंपेयर कर दिया हाँ वही चीज थ्री एक्स माइनस टू हो जाएगा या एक्स प्लस थ्री दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ कंपेयर कर दिया यस yes, सर ठीक yes, है वो भी ठीक है वैसे सबसे बेटर हमारा यही रहेगा जो हमने पहले सर yes, मार्क्स yes, नहीं कटेगा ना ना nah, बिल्कुल करेंगे. भी नहीं ओके okay, सर हमने सारे ऐसे किए हैं वो तो न एक्चुअल में कई बार टीचर्स को ना खुद को नहीं आता होता तो वो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं नहीं जो ट्रेडिशनल ट्र, मेथड है वो तो यही है हमारा ठीक है ओके सर किस किस का गलत है ये फर्स्ट <coughs> सम किसी का गलत नहीं है चलो सेकेंड रूट टू एक्स प्लस नाइन प्लस एक्स इज इक्वल थर्टी ये रूट टू एक्स प्लस नाइन प्लस एक्स इज इक्वल टू थर्टी हां जी अर्नब आपने कैसे किया है सब पहले मैंने रूट टू एक्स प्लस नाइन ये रखा और तो हाँ, बिल्कुल सही बेटा जब भी ऐसे तो आएगा बिल्कुल सही है जब भी इस साइड का हो रूट होगा यहाँ पे दो टर्म्स है ना तो यहाँ नहीं करना पहले जो इसके साथ टर्म है उसको उस साइड लेके जाना है ऑलवेज थर्टीन माइनस एक्स उसके बाद स्क्वायरिंग करनी है स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा

Yes sir, yes, sir. Or no yes sir, sir? हाँ जी sir, मतलब 2x plus 9 और जब सर x था तब क्यों नहीं squaring करी अगर मैं यहाँ squaring करता तो बेटा 2a भी आ जाता फिर से root आ जाता root को खत्म करने के लिए किया ना इसलिए root वाली टाइम को hmm. एक side पे रख लो बाकी सारी टाइम को उस side ले जाओ ओके okay, सर अगर हम यहीं पे squaring कर देते तो इसका square open हो जाता ठीक है x का square x square हो जाता, प्लस इन होता है ना फिर से रूट आ जाता वो तो रूट कत, ही नहीं होना था कभी कभी पे A -B का whole square कर दिया ये आ गया X -square, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि X -square को नेगेटिव तो हो जाता है इसलिए इस टर्म को उधर ले गया और इक्वल टू जीरो चाहे इस साइड रख लो चाहे उस साइड रख लो 160 के फैक्टर्स आना क्या बने थे आपके So is it minus 20x or minus 8x very good so yes i'm up yes sir very x minus 20 and x minus 8 yeah like say yeah let's, see, yeah, let's एक्स की वैल्यू एट ये दो आंसर आ गए ऐसे करना बेटा ये सॉल्व किस किसका गलत है ये सर मेरा सर मेरा भी गलत है अजीत का, का भी गलत है ओके okay. अब आगे आगे समझ आगे? आ किस सर मैंने आगे की स्टेप सही कर दी फिर मुझे लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ फिर उसको काट दिया चलो कोई बात नहीं बच्चे रेगुलर देखो डरो मत मैक्सिमम क्या होगा गलती होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा करना जरूर है कटिंग नहीं करनी कि कर दिया उसके बाद काटा मार दो जी नहीं गलती होगा छोड़ दो लास्ट ईयर ना मेरे पास मोहम्मद कलंदर नाम का लड़का था बेंगलुरु से जब पहले दिन आया था ना वो तो मुझे ये लग रहा था कि मैं इसको कैसे करवा पाऊंगा क्योंकि वो मैं कुछ और बोलता था उसको सुनाई कुछ और देता था पता नहीं जान के करता था वो बट मतलब मैंने उसको एक दो बार डांट लगाई तेरे को सुनाई क्या देता और मैं क्या बोलता हूँ उसके बाद वो चल पड़ा मतलब सोच सकते हो कितने मार्क्स लेके होगा वो प्री बोर्ड में सर, 98, मतलब मार्क्स आए थे उसके एट्टी में से सर ऑफ एट ना हां 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 ये था उसका मतलब करने को सब कुछ पॉसिबल है ये मत सोचो कि आप कर नहीं सकते जितना मैं बोलता हूँ उतना करते रहो देखना कहा से कहा जाओगे सर मुझे स्टार्टिंग के स्टेप मैंने सही कर रहे थे फिर मैंने काट दिया उसको नंबर भी ऐसे कट जाएंगे सर क्लास में सबने भी ऐसे करा है मैंने सर वो तो मेरी कॉपी जैसे लगती है चलो ये खड़का किस चीज का हो रहा है हैं <laughs> पंखा है ये नैन्सी यस सर ये पंखे की आवाज थी नहीं सर बगल में से आवाज आ रही है सर ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़ा मार रही है हाँ एक्जेक्टली exactly. चलो ये सब बेटा जो साथ में ये दिया होता है ना इसका कोई रोल नहीं होता नॉट इक्वल टू थ्री नॉट इक्वल टून क्योंकि नीचे एक्स माइनस थ्री है थ्री माइनस थ्री होगा तो जीरो हो जाएगा. नीचे जीरो नहीं आ सकता इसलिए ये दिया होता है। इसका वैसे कोई रोल नहीं है ये दिया हुआ है यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना था चाहे तो इस टाइम को साइड ले जाओ चाहे यही रहने दो क्या करना है कैसे किया है

मैं Let's... भी वही बोल रहा था yes, वो भी सही है okay, ये है बेटा, को को यही होगा, 2X को दोनों से करेंगे एक्स माइनस थ्री इस साइड माइनस ऐसे ब्रैकेट डाल देता हूं मैं क्योंकि अभी प्रॉब्लम आएगी 2X plus 3 से ये ये कैंसिल कैंसिल हो 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 गया इस हो गया इससे पहले यहां minus 3X minus 9 आएगा बेटा इस साइड ले आओ जाएगा जाएगा अब देखो तीनों में से टू कॉमन लेके कट कट हो रहा है तो सिंप्लीफाई करना है हमें नाउ हमारे पास क्या बच गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इजीकल तू 0 रूहानियत क्या फैक्टर्स बनाए इसके तो मेरा ये आया नहीं था मेरा 4x स्क्वायर प्लस पे 6x प्लस 4x स्क्वायर प्लस पे क्या हाँ 6x अरे आप नापता हो नहीं आप किसी और से बोलो भाभी माइक ऑफ करो बेटा हाँ जी सॉरी सर सर फाइव और वन प्लस फाइव एक्स प्लस वन एक्स यहाँ पे आपने नहीं आपका ये नहीं आया था mm, X, sir, हाँ जी सर ऐसा ही आया था लेकिन बाद में मैंने सिंपलीफाई नहीं किया कोई बात नहीं आपके क्या फैक्टर्स आए थे सर मेरा बाद में इसके बाद में आया था फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स क्योंकि मल्टीप्लाई करके ट्वेंटी फोर आना चाहिए <coughs> सही है सही है सही है गलत नहीं है बेटा आपका बट यहाँ सिक्स के फैक्टर्स जिनको प्लस करें फाइव आई थ्री एंड टू आंसर मैच करेगा बेटा लास्ट में आपने कटिंग किया होगा यहाँ कटिंग नहीं हुआ ठीक है यस एक एक्स का आंसर आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा और एक एक्स का आंसर माइनस वन ये दो आंसर आए आपके सर यस सर हाँ जी सर जैसे हमने मैंने यहाँ वाली भी करा था फोर एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सिक्स वाली इक्वेशन से तो से एक्स की मेरी कह लो माइनस सिक्स बाई आई जिसे मैंने एज इट इज रहेंगे कट नहीं करा तो सही है ना आधा आद, मार्क्स कट कर ओके सर okay, तेरे पास हंड्रेड रुपीज हैं कभी तो, तो किसी ने ऐसे बोला है कि नहीं जी तेरे पास थ्री हंड्रेड बाय थ्री रुपीज है बोलो नहीं, नहीं बोलते ना हंड्रेड रुपीज है आपके पास आपकी जेब में किसी ने मतलब आप ऐसे बोलोगे सबको कि मेरे पास नहीं जी हंड्रेड नहीं है थ्री हंड्रेड अपॉन थ्री है इसको सिंप्लीफाई करके तो हंड्रेड ही आता है ना पर हम ये तो नहीं बोलते ना इसलिए अगर कट होता है तो उसको कट करना है ठीक है बेटा समझ गए सर उधर स्टेटमेंट में है कि एक्स बिलोंग नहीं करता माइनस थ्री बाय टू तो आंसर माइनस वन होगा क्या हाँ ये रिजेक्ट हो जाएगा बेटा हाँ जी सर तो मेरा मौजूद है ये रिजेक्ट हो जाएगा माइनस वन इज द आंसर रिजेक्ट कर देना इसको बच्चे फोर्थ सम फोर्थ सम किस किस का आया है पहले तो मुझे ये बताओ सर मेरा नहीं आया है मेरा नहीं आंसर सर मेरा आंसर आ गया बट मुझे नहीं पता मैंने क्या किया सर उसमें चलो आयुष और किसका आ गया आयुष आ गया आपका यस सर तो मैंने प्रूफ और... कर दिया बट पता नहीं क्या क्या किया बीच में बस नैन्सी ठीक है पता चल गया मुझे सुनाई दे गया हाँ जी और कोई स्टूडेंट जिसका आ गया ये हो ये सर आई गॉट आई गॉट इट चलो सर मेरा मेरा कौन

तो गलत कर लेना एक एक आधा मार्क्स कट कर लेना क्योंकि स्मॉल ए बी सी बीच में यूज हो रहे हैं ना इक्वेशन में तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डाल देना कैपिटल ए की वैल्यू ए माइनस बी कैपिटल बी की वैल्यू बी माइनस सी कैपिटल बी ए सी की वैल्यू सी माइनस ए नाउ डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस फोर ए सी फॉर्मुला में भी मैं कैपिटल यूज कर रहा हूं बी की वैल्यू बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस दिस वन ओपन दिस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी माइनस फोर को एक बार बाहर रहने दो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी ओपन दिस ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी एज लाइक माइनस फोर ए सी प्लस फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी सी माइनस फोर ए बी यही आएगा ना बेटा माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर फोर ए स्क्वायर को पहले लिख दिया बीसी वाली टर्म ये भी थी ये भी थी प्लस टू बी लिख दिया एसी वाली एक ही टर्म है ये लिख दी माइनस फोर ए इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है रूट्स आर इक्वल रूट्स हमें इक्वल दिए हुए हैं इक्वल दिए हुए हैं तो ये की चीज किसके इक्वल जीरो चलो अभी अर्नब बताएगा अर्नब ने क्या किया इसके बाद

देखो इसको मोल्ड किया है क्यों लिखा है यहाँ दो टर्म माइनस किए है दोनों में क्या कॉमन है ए कॉमन है तो इसलिए ए वाली टर्म को माइनस का कर दिया माइनस टू ए का स्क्त फोर ए स्क्वायर होता है प्लस टू इंटू बी इंटू सी प्लस टू इंटू सी इंटू माइनस टू ए प्लस टू इंटू माइनस टू ए इंटू बी यहाँ पे आइडेंटिटी हो गई है किसकी बी ए प्लस बी प्लस सी का

यार कहीं से भी लिया हो इससे हम बहुत कंफ्यूजन थी ना मतलब में मैं एक्चुअली नहीं डाल पाता तो मैं बताता हूं तेरे को मेरे पास ना टेस्ट डालने का भी टाइम नहीं होता वो कई बार तो मेरे पास बहुत सारे टेस्ट पड़े हैं जो लास्ट 23 इयर्स से मैं लेता आ रहा हूं ऑफलाइन क्लासेस थी उस टाइम भी तो लेता था ना मैं यस सर तो मैं वो उठा के डाल देता हूं और ये आएगा कहीं ना कहीं तो मिलेगा तुम्हें किसी ना किसी बुक में तो आपकी ठीक है ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग टाइप्स थे बहुत ज्यादा समझ में आता था क्या करना है ऐसी तो दिमाग चलेगा बच्चे मैथ और मैं क्या बोलता हूँ कि मैथ जिसको आ गया सब कुछ आ गया समझ गए सर आपको पता मैंने जब देखा कि मेरी स्टेटमेंट इतनी बड़ी बन रही है तो मैंने आगे करना ही छोड़ दिया कोई बात नहीं बार्त मैं भी डी निकाल के इतनी बड़ी स्टेटमेंट बनी तो करना ही छोड़ दिया मैंने भी सर हाँ जी सर मैंने वहां पे बी स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाया था सर पीछे बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे बन जाएगा वो यहां पे B तो है ही नहीं या बी सी है ही नहीं वो सही ये जो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इसको जोड़ दिया बाकी फिर कुछ बन नहीं रहा ना बेटा ठीक है तीन टर्म का स्क्वायर है ना नाइन्थ की आइडेंटिटी इडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc सबको याद आ गई होगी ओह सर मेरा सही है सर हाय हाय आयुष तेरे से तो पार्टी हो जाए है ना यस सर चलो फिफ्थ सा बेटा सिर्फ एक जानबूझ के एक बड़ी सारी स्टोरी बना दी कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। सम जो हमने ट्रेन वाले किए नहीं थे स्पीड वाले टाइम वाले वही है स्टेयर इन दिनिक एट द एयरपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट ड्यू टू दिस प्लेन गोट डिलेड बाय हाफ एन आवर हाफ एन आवर मतलब थर्टी मिनट लेट हो गया

यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 1500 किलो किलोमीटर बहुत किए थे ना एम एल अग्रवाल में यस yes. 1500 किलोमीटर सो दैट यूजुअल स्पीड को क्या लेट कर लें हम एक्स किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज स्पीड क्या आएगी एक्स प्लस टू फिफ्टी किलोमीटर पर आवर कितना टाइम लगा यहाँ पे Upon speed. 1500 पे 1500 upon X 250. दोनों में से कौन सा टाइम बिगर है ये वाला बेग बिगर है क्योंकि वो थर्टी मिनट लेट लेट पहुंचा था बट टाइम पे उसी पे पहुंचना है तो फिफ्टीन हंड्रेड अपॉन एक्स माइनस दिस वन किसके इक्वल कितना टाइम हाफ एन आवर हाफ एन आवर

माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन फाइव सेवन फिफ्टी थाउजेंड ये क्या होता है जिनको माइनस करे टू फिफ्टी यस बिल्कुल सही मतलब क्वेश्चन वही है सिर्फ एक स्टोरी स्लिप हो गया ये हो गया वो हो गया करके बना दिया सीधा सॉल्व में आंसर लिख रहा हूं बेटा ये रिजेक्ट हो जाएगा स्पीड कांट भी नेगेटिव 750 किलोमीटर पर आर के आ जाएगी यूजुअल स्पीड आ जाएगी किस किस का गलत है सर मेरा तेरा सर मेरा। गलत है

501, नहीं ऐसे नहीं तो तो, तो क्वेश्चन बोल x टू 0 6000 के फैक्टर जिनको प्लस करें इतना है, नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता, सकता। ये कैसे बन गया किस क्वेश्चन में बन गया ये सर इस वाले में पता नहीं मैंने क्या किया बच्चे ये इक्वेशन देखो यही आएगी ठीक है ना आंसर यही आएंगे ये, ये चीज देख ली अब पता चल गया कैसे करना है yes. यस कोई बात नहीं ऐसे धीरे धीरे आना शुरू होगा टेस्ट हम धीरे धीरे ना नंबर ऑफ टेस्ट भी इंक्रीज करते जाएंगे यस और अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन लेंथ जब भी रेक्टेंगल बोला बोला हो तो ऐसे छोटा सा रेक्टेंगल बना हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन लेंथ लेंथ को x ले लिया तो ब्रेथ कितनी होगी x 3 होगी इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क दैट

नहीं सर मेरा आया पता नहीं सही है कि सर मेरा मेरा भी चलो देख लो एक्स माइनस थ्री मीटर उल्टा नहीं हो किस थोड़ा क्यों सॉरी सॉरी पता नहीं, लेंद्ध हो लेंद्ध हो नहीं। सारी, सारी। कैसे लिख दिया लेंथ को एक्स मीटर ब्रेथ एक्स माइनस थ्री मीटर अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है मतलब रेक्टेंगल का एरिया इज टू बी फोर किससे एरिया ऑफ पार्क दैट ऑलरेडी शेप ऑफ एन बेस एस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन टू ब्रेथ इज फोर मोर प्लस फोर इसका मतलब क्या हुआ इक्वल आगे क्या लिखा है फोर स्क्वायर मीटर मोर प्लस फोर किससे एरिया ऑफ आइसोसेलेस्ट्रेंगल से हाफ बेस एक्स माइनस सी हाइट टwelve ठीक है बच्चे ये चीज समझाइ यस रवि जी सही है कि गलत है सही है गलत क्यों हुआ

and breadth of rectangle be x minus 3 that is 7 minus 3 that is 4 meter samajh gaye sir sara sahi hua mera party ho jaye rohani hai tab to haan ji mera bhi sahi very good amesh ka next wala question nahi hua samjhwala nahi hua yes sir thoda jeev sir samjhwa confused ho gaya ये कल तो किया उसमें एमएल अग्रवाल में कितने सम तो किए हैं टोटल कॉस्ट ऑफ टू हंड्रेड मीटर टू हंड्रेड मतलब अर्नव की जेब में कितनी मनी है टू हंड्रेड है वो पहली शॉप पे चला गया तो उसको कितना लेंथ ऑफ कपड़ा मिला क्लॉथ क्या लेट कर लेते हैं हम एक्स मीटर तो कॉस्ट ऑफ इस क्या आएगा so, 200 बाय ओ सॉरी सॉरी 200 बाय एक्स अब व्हेन अब उसके बाद ये दूसरी शॉप पे चला गया कहता है मैं एक मिनट में आया ट्रैक्टरवाकी वहीं पे छोड़ आया दूसरी शॉप पे चला गया दूसरे शॉप के वाले ने उसको क्या किया फाइव मीटर longer दे दिया सेंटीमीटर longer सॉरी यहां पे भी सेंटीमीटर कर लो ठीक है यार सेंटीमीटर नहीं आएगा मीटर ही आएगा यहाँ पे भी वो थोड़ा तो गलत लिखा तो हुआ है फाइव मीटर होना चाहिए था फाइव मीटर ही होना चाहिए था टू हंड्रेड अपॉन एक्स प्लस फाइव हो जाएगा ना कौन सा कॉस्ट बढ़ा इन दोनों में से ये वाला बिगर होगा ना यस सर माइनस ये वाला तभी तो पता चलेगा कितना कम बढ़ रहा है वो रुपी टू लेस बस एलसीएम आ गया इक्वेशन अजीब सी बनी थी बहुत ये तो सही है आपका सर पता नहीं इसमें जब वो लिखा था ना वैल्यू इवन एंशिएंट मैंने टू की जगह 200 कर दिया पता नहीं क्या सोच हो के होए होए चलो कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी सर ये वाला तो अपन ने परसों करा था सर मैं वही तो बोल रहा हूं बहुत बहुत सम किए बेटा इस टाइप के तो स्पीड वाले भी बहुत सम किए हैं स्पीड ट्रेन जो एरोप्लेन वाला आया था सर आज हमारा टेस्ट छूट गया सर हाँ जी फैक्टर्स 25 एंड 20 सर मेरा ये x square plus five x मतलब five तो सही है लेकिन ऊपर में लाइक मैंने गलत किया सर क्योंकि ये two rupees is less तो मैंने कर दिया two hundred x x+5 और 2 200 minus 2x कोई बात नहीं आप आंसर मैच करिए आपने बच्चे आप है ना मैंने लेंथ को लेट किया है ना आपने कॉस्ट yes, को sir. लेट किया होगा यस सर तो सही है वो भी ओके सर तो आंसर तो सही है सर ट्वेंटी फाइव आएगा एक एक्स का आंसर आएगा ट्वेंटी यस सर आंसर सॉल्व करके बट दिस इज द लेंथ ये रिजेक्ट हो जाएगा लेंथ ऑफ पीस क्या गया? रुपी आ गया रिपीट वन आरपीडी 20 मीटर्स एंड कॉस्ट 200 अपॉन 20 10 आएगा रुपी 10 पर मीटर ठीक है यस सर सर मैंने लेंथ ओल्ड और न्यू दोनों निकाल दी क्यों निकाले साइड क्यों गलत हो गया मतलब 20 मीटर भी आई और 25 भी आई लेकिन जो कॉस्ट थी वो रुपीस चल रहा है अब जो लास्ट वाला समय. द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर जब डिफरेंस की बात आ जाती है एक लार्जर और एक स्मॉलर लेना ही लेना है डिफ्रेंस लार्जर माइनस स्मॉलर फाइव दी है लार्जर को मैंने एक्स ले लिया तो स्मॉलर क्या आ जाएगा एक्स माइनस फाइव आ जाएगा ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर डिफरेंस इज वन बाई टेन हाँ जी अर्णव क्या लिखे यहां पे डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स 1 1 1 5 x देर x. Upon... x काटा मार ले बच्चे एक नंबर है फोर एक नंबर है टू फोर टू से बड़ा है

एक्स और वाई के ले y तो लेना ही ही नहीं बेटा मैंने पहले को को चलो कोई बात नहीं काटा मारे ओके okay, सर हाँ जी सर ये डिनोमिनेटर एक्स माइनस फाइव और ये फाइव क्यों लिखा है आपने जिनोमिनेट रेसिप्रोकल बेटा एक्स का रेसिप्रोकल वन बाय एक्स होगा इसका रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है ना रेसिप्रोकल करेगा आ जाएगा वन बाय टेन सर पर ये फाइव के एक्स की, की जगह आपने फाइव लिखा है ये कह रहा हूँ अच्छा सॉरी 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 सही है फिफ्टी इज़ इक्वल ट फिफ्टी के फैक्टर्स जिनको माइनस करें फाइव आई टेन एंड फाइव माइनस कॉमन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक एक्स की वैल्यू आ गई एक एक्स की वैल्यू माइनस फाइव एक्स नेचुरल चाहिए था ये केस रिजेक्टेड हो गया लार्जर नंबर टेन आ जाएगा, स्मॉलर नंबर फाइव आ जाएगा, ठीक है? समझ आ गया? चलो, yes, आ, आज ए, एक मिनट, आज ना मुझे थोड़ा सा काम भी जाना है, मैंने आज का था, नहीं सर, नहीं, नहीं आज आज क्लास नहीं है, है हाँ ना? सर हाँ सर सेक्स वाले एक बार हम दिखाइए ना बेटा मैं वीडियो डाल दूंगा मुझे ना थोड़ा काम जाना है अभी ठीक है ओके okay.